सो so, आज हमारा ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है इवोल्यूशन का और इवोल्यूशन uh, में हमने काफी कुछ पढ़ा है जो एंड पार्ट है आज आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन राइट कि मैन का कैसे हुआ है इवोल्यूशन वो हम पढ़ेंगे जस्ट अ सेकेंड ठीक है याद रखिए सो ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं ये टेबल है होमिनॉइड ओके okay. मैं यहां पे आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं ये क्या है होमिनॉइड है होमिनोइड का मतलब होता है दोनों के भी फीचर मतलब ऐसे लोग जिसमें मैन की भी फीचर है और एप्स की भी फीचर है उन्हें हम होमिनोइड कहते हैं मैन प्लस एप्स तो ये पॉइंट पे मैं डिफरेंस दिखा रहा हूं क्योंकि होमिनोइड के अंदर क्या आता है मैन मैन और एप्स दोनों भी आते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पे ये एप्स वाला है और ये वाला जो पॉइंट है यहां पे ये ह्यूमन वाला है मैन का और मैं यहां पे डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मतलब ये जो तुम देख रहे वो है कि क्या डिफरेंस है, है पहला पॉइंट देखो फेस के बारे में यहां पे मैंने फेस में लिखा देखो यहां पे एप्स है एप्स मतलब चिंपैंजी आता है और ये ह्यूमन है पहला डिफरेंस है यहाँ पे फेस का फेस में यहाँ पे प्रोग्नेथस फेस है और यहाँ पे फेस फेस है कैसा होता है ना ऐसे लंबा होता है फेस होता है फ्लैट होता है ऐसा सीधा होता है ऐसा जो एब्स होते थे ना उनके फेस का जो लोअर जॉ होता है ना वो काफी बाहर निकला होता है उनका लोअर जॉ इतना बाहर निकला होता है उनका जॉ कि उसके ऐसे उनका फेस साइड से स्लॉटेड नजर आता है ऐसा स्लांटेड पर हमारे केस में जो जॉ है वो थोड़ा अंदर चला गया है जिसके वजह से हमारा फेस जो है वो सीधा है। तो ऐसे फेस को हम कहते हैं ऑर्थोग्नेथस फेस जबकि एप्स में कैसा है प्रोग्नेथस प्रोगस मतलब कैसा है फेस साइड से दूसरा आता है फोरहेड फोरहेड मतलब माथा तो इनका फोरइड भी कैसा है जैसे मैं तुमको पहले बताया इनका फोरइड भी ऐसा है न... बाहर की तरफ निकला हुआ था हमारा फोरइड कैसा ऊपर की तरफ है ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ गया हुआ है slanted नहीं है है ऐसे ऊपर की तरफ गया हुआ है। फिर आता है आइब्रो रिजिस आइब्रो रिजिस क्या होता है आइब्रो पता है ना सबको ये आईब्रो होता है आइब्रो के पीछे ना हड्डी होती है तो एब्स के केस में वो हड्डी काफी बाहर निकली हुई है

फिर आता है नोज की बात तो इनका नोज कैसा था फ्लैट एकदम चपटा नोज था बट हमारा नोज कैसा है हमारा नोज नीचे की तरफ जा रहा है देखो फेसिंग डाउनवर्ड नोज इज फेसिंग डाउनवर्ड मतलब हमारे जो है नोज की जो ओपनिंग है वो नीचे की तरफ खुल रही है पर उनके नॉस्ट्रल्स आगे की तरफ खुलती थी फ्लैट था और नॉस्ट्रेल आगे की तरफ खुलती थी बंदर का कैसा होता है उसके नोस्ट्रल्स आगे की तरफ दिखते हैं नॉस्ट्रल्स पता है ना जहां से एयर अंदर अंदर एंटर करता है हाँ तो उनका नोज काफी फ्लैट था और उनके नोस्टल आगे की तरफ थे हमारा नोज थोड़ा लॉन्ग है और नीचे की तरफ फेस कर रहा है चीन की बात करते हैं चीन ये होता है तो क्योंकि मैंने क्या बोला कि उनके केस में चीन होता ही नहीं है क्योंकि उनका लोअर जॉ जो, जो था वो यू शेप था काफी लंबा था उनका लोअर जॉ लोअर जॉ उनका यू शेप था मैं यहां पे तुम लोगों के लिए लिखता हूं उनका लोअर जॉ देखो यू शेप है ऐसा तो लोअर जो यू शेप होने की वजह से उनका लोअर जो काफी बाहर की तरफ निकला हुआ था जिससे चीन करके ऐसा कुछ था ही नहीं तो साइड से इनका फेस देखने पे देखो इनका फेस ऐसा था माथा भी ये इनका नोज और ये देखिए ये इनका ऐसा फेस था ये देखिए ये इनका फेस है ये ये काफी बाहर की तरफ निकला हुआ है ये पर हमारे केस में फेस कैसा है हेड जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा है नोज नीचे की तरफ और चीन है हमारे केस में देखिए तो हमारे केस में देखो चीन बराबर है क्यों क्योंकि हमारा लोअर जो जो है वो ऐसा पैरा है। इनका जो जॉ यू शेप है मतलब वो काफी आगे की तरफ निकला है तो इनको साइड से देखने पर इनका चेहरा देखो स्लांटेड लग रहा है ऐसा प्रोग्नेथस फेस ये कैसा फ्लैट लग रहा है फेस इनमें शेप है इनमें लोअर जो पैराबोलिक है इनमें चीन जैसा करके कुछ है ही नहीं कितना बाहर निकला हुआ है तो चीन करके कैसे कुछ बोल ही नहीं सकता इनमें मैं चीन करके बोल सकता हूं ये चीन है यहां पे नोज एकदम फ्लैट है यहां पे नोज नीचे की तरफ फेस कर रहा है नेक्स्ट पॉइंट डेंटिशन मतलब दांत तो तीत की बात करें तो इसमें भी बत्तीस दांत है इधर भी बत्तीस दांत है बट फर्क कितना है कि यहां पे वो तीत का अरेंजमेंट कैसा है शेप है यू शेप है तीत का अरेंजमेंट यहां पे कैसा है पैराबोलिक है ऐसा पैरा यहां पे नेक्स्ट आता है डायस्टेमा डायस्टेमा का मतलब क्या होता है दो दांत के बीच में का गैप तो तुमको पता है कि आगे का तीत तो होता है उसको इंसी कहते हैं और साइड का जो होता है उसे कैनाइंस कहते हैं तो यहां पे इंसीसर ये आगे के दांत है तुमको पता है ये देखो ये इंसिसर्स है तो इंसिसर जो साइड का देखो पॉइंटेड तीथ होता है इसको कैनाइंस कहते हैं तो उनके केस में इंसिसर और कैनाइन के बीच में गैप था पर हमारे केस में इंसिसर और कैनाइन के बीच में कोई भी गैप नहीं है इंसिसर है ये और साइड में केनाइन्स है कोई गैप नहीं हमारे केस में इंसिसर समझते हो ना आगे का तीथ साइड का होता है केनाइन

हमारे केस में हम तो शिकार नहीं कर रहे हम तो चीजों को पका के खा रहे हैं, तो हमें ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं है तो हमारे केनाइंस छोटे है तो छोटे है तो सीधी सी बात है कि हमारे छोटे होने के वजह से ऊपर वाले इंसीसर और केनाइन के बीच में कोई गैप की जरूरत नहीं है बोलो ये चीज समझ में आई यस yes, सर क्रीनियम की बात करते हैं तो मैंने तुमको पहले बताया कि इनका क्रीनियम कैसा था पीछे की तरफ था मतलब पीछे की तरफ ऐसा क्रीनियम था मतलब ब्रेन जो था ऐसा ऐसा पीछे की तरफ जा रहा था पर हमारा कैसा ब्रेन ऐसा डोम शेप है थोड़ा सा ऐसा ऐसा डोम शेप है ऊपर से क्योंकि हमारा ब्रेन का कैपेसिटी थोड़ा बढ़ गया ना आप लोग फिर भी ये पॉइंट को स्किप कर सकते हो कोई बात नहीं क्रेनियल कैपेसिटी क्या, क्या होता है ब्रेन की क्षमता ब्रेन का साइज तो इनका मतलब उन इन इनका क्रैनियल कैपेसिटी जो है ब्रेन का जो है वो बहुत ही कम है 600 के आसपास है 600 सीसी सीसी मतलब क्रैनियल कैपेसिटी मतलब इंटेलिजेंसी कितना डेवलप हुआ था ब्रेन समझ रहे हो तो हम बोलते हैं इंटेलिज जितना ज्यादा सीसी होगा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो पर्सन तो एप्स का जो ब्रेन था वो 600 सीसी के आसपास था जिसके वजह से वो खाली बस अपना बचाव कर सकते थे खाना बना सकते थे शिकार कर सकते थे समझ रहे हो बट हमारा कितना है ब्रेन 1300 से 1400 सीसी का है तो हमारे अंदर तो और भी ज्यादा थिंकिंग कैपेबिलिटी है प्लान कर सकते हैं है ना डिसीजन ले सकते हैं आगे का फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं क्या करना है वर्टिकल कॉलम देखो देखो ये लोग जो होते थे ना एप्स लोग ये लोग चार पैरों पे चलते थे तो चार पैरों पे चलने के लिए ज्यादा लोडिंग किस पे आएगा बताओ हाथ पे आएगा कि पैर पे आएगा सर हाथ पर हाथ पे आएगा तो इनका फोर लिम ज्यादा बड़ा था क्यों क्योंकि ये ज्यादा चलते चलते ये पे थे ऐसे ऐसे अपने नक्ल्स पे चलते थे, चलते थे। ये ये तो इनके नकल्स बड़े बड़े होते थे मोटे मोटे होते थे क्यों क्योंकि ये हाथ का ज्यादा यूज करते थे क्योंकि ये चार पैरों पे, पे चलते थे चार पैरों पे चलते थे तो ज्यादा भार आता था फोर लिम्स पे तो इनके फोर लिम्स लॉन्ग होते थे पर हम तो दो पैरों पे चलते हैं हम बाय पैडल तो हमारे हाथ पे ज्यादा भार आएगा कि पैर पे ज्यादा भार आएगा सर पैरों में तो हमारे लेग्स लॉन्ग है हमारे हाइंड लिम्स लॉन्ग है हमारे हाइंड लिम्स लॉन्ग है इनके फोर लिम्स लॉन्ग है हम बाइपैडल है ये क्वाडरिपेडल है अब सीधी सी बात है ये हाथ पे चल रहे तो इनके कंधे मजबूत होंगे कि कमर मजबूत होगी सर कंधे कंधे मजबूत होंगे तो इनका

तुमको पता है हमारा वर्टीब्रल कॉलम सीधा नहीं है सर्वाइकल है थोरैसिक है लंबा है और ऐसा सैक्रल है ऐसा है ना वर्टीब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी जो है यस yes, सर तो ये है कि इनकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो सीधी थी हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो थोड़ी सी ऐसे ऐसे टेढ़ी है कर्व्ड है कर्व्ड एस शेप एस शेप, शेप कर्व्ड ऐसे ठीक है उसके बाद आता है पेक्टोरल गर्डल तो इनका पेट्रोल गर्डल ज्यादा ब्रॉड है बड़ा है चौड़ा है हमारा पेट्रोल गर्डल उनके कंपेरिजन में छोटा है पेक्टोरल गर्डल मतलब शोल्डर गर्डल कंधा लोकोमोशन की बात करते हैं तो ये नकल पे चलते थे और क्वार पैडल थे चार पैरों पे चलते थे और नकल्स पे चलते थे ऐसे ऐसे जबकि हम कैसे बाय पैडल और हम सीधे चल रहे हैं इरेक्ट इरेक्ट मतलब सीधे और दो पैरों पे चल रहे हैं बॉडी पोस्टर की बात करें तो इनका बॉडी ड्रुपिंग टाइप है ड्रुपिंग मतलब ऐसे होता है झुक के और हमारा बॉडी पोस्टर कैसा है सीधा, है, सीधा है, ऐसा इरेक्ट है ऐसा सीधा तो बॉडी पोस्टर की बात करते तो इनका ड्रुपिंग हमारा इरेक्ट है की बात करते तो इनका नॉन ऑपोजिबल नहीं था ये अपनी अंगूठे को ऐसे उंगलियों के सामने लेके नहीं जा सकते थे और हमारा ऑपोजिबल थम्ब है हम हमारी अंगूठे को उंगलियों के सामने लेके जा सकते चीजों को पकड़ सकते हैं तो इनका नॉन ऑपोजेबल थंब है हमारा ऑपोजेबल थंब है पर हाँ दोनों का ग्रैस्पिंग हैंड्स है ग्रैस्पिंग मतलब ऐसे कुछ पकड़ सकते हैं ये भी अपने उंगलियों को ऐसे टर्न कर सकते थे भले ही अपने अंगूठे को उंगलियों के सामने नहीं ला सकते थे पर ये लोग कम से कम अपने हाथ से ऐसे ऐसे कर सकते थे ऐसे ऐसे चीजों को ऐसे ऐसे कर सकते थे पकड़ के लटक सकते थे आ रहा है समझ में ज्यादातर yes, तो याद रखना कि इनके केस में ग्रास्पिंग हैंड्स है ग्रास्पिंग हैंड्स का मतलब ऐसे पकड़ सकते हैं अपनी उंगलियों को थोड़ा मोड़ सकते हैं पर हाँ वो अपोजिट नहीं लेके जा सकते अपनी उंगलियों के पर हम ग्रास्पिंग हैंड भी है और अपनी उंगलियों को अपोजिट भी लेके जा सकते हैं लास्ट में आता है हेयर बॉडी बॉडी पे हेयर इनके बॉडी पे हेयर थी और वो बहुत ही बड़ी बड़ी और लंबी थी हमारे बॉडी पे भी हेयर है पर वो छोटी है और लास्ट आता है मोलारतीत मोलारतीत मतलब वो तीत जिससे हम चबाते हैं चीजों को चबाने वाला जो तीत होता है ना लास्ट में मोलारतीत वो तो इनका मोलारतीत होगा कि छोटा छोटा होगा होगा बताओ सोच समझ के सर तो बड़ा एप से ना ये तो चीजों को कच्चा खाते थे तो कच्चा खाने के लिए ज्यादा चबाना पड़ेगा ज्यादा चबाने के लिए दांत बड़े होंगे तो इनका मोलारतीत लॉन्ग था हमारा मोलारतीत शॉर्ट है और छोटा हो गया क्यों क्योंकि अब हम पका के खाते चीजों को आया समझ में यस सर एक बार देख लो इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझे ये मैंने आपको डिफरेंस बताया देखो यहां पे हूमिनिट लिखा है और ये ह्यूमन को हम ह्यूमिट कहते इस पे फोकस करिए ह्यूमन का ही दूसरा नाम है मैं इधर लिखता हूं ह्यूमन को हम हुमिट भी कहते हैं होमिनॉइड और होमिनेट में फर्क है होमिनॉइड मतलब क्या ऐसे लोग जिसमें दोनों की भी फीचर दिखती है एब्स की भी और ह्यूमन की भी एप्स प्लस ह्यूमन वाली फीचर जो दिखती है दोनों की दिखती है उन्हें हम होमिनॉइड कहते हैं नॉइड और सिर्फ ह्यूमन की फीचर दिखती है उन्हें हम होमीनेट कहते हैं तो होमिनॉइड और होमीनेट में फर्क है डायस्टेमा का मतलब मैंने क्या बताया था बताओ डायस्टेमा का मतलब चलिए बताइए निकिता अंकिता डायस्टेमा का मतलब क्या है दो दांत के बीच का गैप दो दांतों के बीच के जो गैप होते हैं उसे डायस्टेमा कहते हैं तो इनके केस में डायस्टेमा प्रेजेंट है वो गैप जो है ना इंसिसर और केनाइन के बीच में प्रेजेंट है किसमें एप्स में हमारे केस में इंसीसर और केनाइन के बीच का गैप एबसेंट है सर आपका आगे का नहीं सुना कहा से नहीं सुना आपने सर आगे का पूरा है आगे का कहाँ से सर आगे का पूरा बट इट्स ओके मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी बाद में देखो मैं डायस्टेमा अभी भी मैंने बताया कि डायस्टेमा क्या होता है डायस्टेमा का मतलब होता है दो दांत के बीच का गैप दो बाजू बाजू वाले तीत के बीच में जो गैप होता है उसे डायस्टेमा कहते हैं तो ऐसा है कि जो एप से इनके केस में डायस्टेमा प्रेजेंट है हम, हमारे केस में डायस्टेमा एबसेंट है और मैंने ये कहा कि एप्स जो होते थे वो चार पैरों पे चलते थे तो ये कॉडरी पेडल थे ह्यूमन जो है ये दो पैरों पे चलते तो ये बाय पेडल है अगर ये चार पैरों पे चल रहे तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है स्ट्रेट हम दो पैरों पे चल रहे खड़े होके चल रहे तो हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसे होगी ताकि बॉडी का पोस्टर बना रहे ऐसा एस शेप तो इनका रीढ़ का हड्डी जो है वर्टीपल कॉलम स्ट्रेट है हमारा मल्टीपल कॉलम कर्व्ड एंड एस शेप है ये क्योंकि चार पैर पे चल रहे हैं तो इनका बॉडी का सारा भार इनके फोर पे आ रहा है हाथ पे आ रहा है आप देखो चिंपैंजी कैसा चलता है तो उसका सारा भार जो है वो उसके हाथों पे आ रहा है तो उसके लिए एप्स के फोर लिम्स बड़े होते हैं अब हम दो पैरों पे चल रहे हैं तो हमारे हाइंड लिम्स बड़े है तो इनके फोर लिम्स बड़े हमारे हाइंड लिम्स बड़े हैं इनके कंधे मजबूत है हमारी कमर मजबूत है कंधे मतलब इनका पैक्टोरल गर्डल ज्यादा मजबूत है शोल्डर वाला क्योंकि बाहर ज्यादा करके हाथ पे आ रहा है तो इनका पैक्टोरल गर्डल स्ट्रॉन्ग है हमारा पेल्विक गर्डल स्ट्रोंग है कमर वाला पार्ट समझ रहे हो इनके केस में इनके बॉडी पे हेयर है वो की लॉन्ग है ये बड़े बड़े होते थे आदि मानव होते इनके बॉडी पे हेयर्स थे और बड़े लॉन्ग थे हमारे बॉडी पे हेयर है पर बहुत कम हो गए और छोटे छोटे हैं तो इनके हेयर लॉन्ग होते थे बॉडी पे हमारे हेयर छोटे हो गए इनका ब्रेन का कैपेसिटी ज्यादा नहीं था 600 सौ कैपेसिटी के आसपास था कैपेसिटी मतलब इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट कितना ब्रेन था इनका तो ये 600 कैपेसिटी का ब्रेन था इनका हमारे केस में ब्रेन का कैपेसिटी 1300 से 1400 है तो सीधी सी बात है ये लोग ज्यादा नहीं सोच पाते थे ये लोगों को जीना है मरना है खाना है पीना है रहना है बस उतना है बट ये लोग प्लानिंग कर सकते हैं डिसीजन थिंकिंग मेमरी ह्यूमन लोग जो है और मैंने कहा कि इनका नोज फ्लैट था सीधा था हमारा नोज कैसा है? लॉन्ग है नीचे की तरफ फेस कर रहा है दांत की बात करें तो इनका लोअर जॉ जो, जो था वो यू शेप था लंबा सा यू शेप था इनका लोअर जॉ एप्स का यू शेप होने की वजह से नीचे से काफी बाहर निकला हुआ था तो साइड से देखने पे इनका चेहरा ऐसे नीचे की तरफ स्लान था ऐसे है देखो क्योंकि लोअर जॉक कैसा यू शेप है यू शेप जॉ होने की वजह से इनका चेहरा साइड से ऐसा स्ल्टेड है हमारा लोअर जॉक ऐसा है यू शेप नहीं है पैराबोलिक है ये पैराबोलिक है तो उसकी वजह से हमारा चेहरा साइड से सीधा है इनका चेहरा साइड से स्लंटेड है ऐसा नीचे की तरफ देखो ये देखो कैसे नीचे की तरफ स्लांटेड आया पर हमारा चेहरा देखो साइड से ऐसा सीधा है क्यों सब लोअर जॉ का खेल है इनका लोअर जॉ बाहर निकला हुआ शेप है हमारा लोअर जो, तो जो है प्रोग्नेथस फेस है। हमारा साइड से फ्लैट है तो ऐसे फेस को ऑर्थोग्नेथस कहते हैं ठीक है यही चीज मैंने बताई है कुछ डाउट है अभी इसमें नो सर नो सर और मैंने एक चीज और कहा है कि दोनों के केस में ग्रास्पिंग हैंड है ग्रास्पिंग हैंड मतलब देखो ऐसा ये ये मेरा पाम है ना इसको मैं ऐसे कर सकता yes, हूँ हाँ ऐसे कर सकता हूँ मतलब इसको ग्रास्पिंग हैंड बोलते हैं ग्रास्पिंग पर इनके केस में खाली ग्रास्पिंग कर सकता है एप्स में खाली ऐसे ग्रास कर, कर, कर सकता है पर हमारे केस में ग्रास करने के साथ साथ हाँ, हम हम ऑपोजेबल थम भी प्रेजेंट है मतलब हम हमारी अंगूठे को चारों उंगलियों के सामने लेके जा सकते हैं तो हमारा ग्रासपिंग के साथ साथ ऑपोजिबल है। इनका ऑपोजिबल थम नहीं है इनका थम चिपका हुआ है तो ये अपने थम को ऑपोजिट लेके नहीं जा सकते पर हाँ ग्रासपिंग तो है आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा और मैंने बताया होमिनॉइड होमिनॉइड का मतलब होता है एप्स प्लस ह्यूमन की फीचर एप्स प्लस ह्यूमन दोनों की फीचर को मिला के हम बोलते हैं होमिनॉइड अगर मैं सिर्फ होमी नीड बोलू होमी नीड तो सिर्फ ह्यूमन की फीचर तो होमिनॉइड मतलब एक प्लस ह्यूमन होमिनिड मतलब सिर्फ ह्यूमन इज दैट क्लियर एवरी वन ठीक yes है आगे अगले साइड पे चलते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड है दिख रहा है जो लिखा हुआ है शायद से नहीं दिख रहा होगा बताइए पहले दिख रहा है क्या फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है चलिए मैं इसको जूम करता हूं अभी दिख रहा है यस yes, ओके okay, okay. देखो यही पॉइंट है इसके पहले मैंने तुम लोगों को क्या डिफरेंस पढ़ाया कि एप्स और ह्यूमन में क्या क्या डिफरेंस है तो हमने अलग अलग सेक्टर में बात किया कि पेल्विक गर्डल कैसा है कंधा कमर कैसा है फोर लिम किसका बड़ा है हाइंड हाइंडलिम किसका बड़ा है क्रेनियल कैपेसिटी क्या, क्या, क्या है तो हमने डिफरेंस में बात की अब हम सिमिलैरिटी देखते हैं कि एप्स और ह्यूमन में क्या क्या सिमिलैरिटी है तो सिमिलैरिटी की बात करें एप्स और ह्यूमन में तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है फेशियल मसल्स हमारे चेहरे में मसल्स प्रेजेंट है जिससे हम फेशियल एक्सप्रेशन बना सकते हैं आपने मिमिक्री आर्टिस्ट लोगों को देखा होगा कि वो लोग जब किसी आर्टिस्ट का मिमिक्री mimic, करते हैं तो वो लोग उस आर्टिस्ट की तरह अपना फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं तो ये फेशियल एक्सप्रेशन एप्स भी बना सकते थे और ह्यूमन तो बनाते ही है इसका मतलब फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जो फेशियल्स में फेस में जो मसल्स चाहिए वो मसल्स दोनों में भी है एप्स में भी है और ह्यूमंस में भी है तो फेशियल मसल दोनों में भी प्रेजेंट है ये एक सिमिलैरिटी है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आता है कि ह्यूमन में भी हीमोग्लोबिन है और एप्स में भी हीमोग्लोबिन है ठीक है ह्यूमन में भी हीमोग्लोबिन है एप्स में भी हीमोग्लोबिन है और तुमको पता है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन से बना है और प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से तो हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट सेम है बस एक अमीनो एसिड का फर्क है ह्यूमन के अंदर कोई एक अमीनो एसिड अलग है बस बाकी पूरा का पूरा अमीनो एसिड सेम है मतलब ह्यूमन के हीमोग्लोबिन में ह्यूमन के हीमोग्लोबिन में जितने भी अमीनो एसिड है वो सारे अमीनो एसिड एब्स में भी है बस एक अमीनो एसिड का फर्क है तो याद रखना कि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर है हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में सब जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाता है तो दोनों में भी हीमोग्लोबिन है और एकदम सिमिलर है सिर्फ एक अमीनो एसिड का फर्क है बस तीसरा पॉइंट आता है कि ह्यूमन के अंदर हर सेल में फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है पर एप्स के हर सेल में फोर्टी एट क्रोमोजोम है मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही हुआ है कि नहीं कि फोर्टी सिक्स ह्यूमन में है फोर्टी एट क्रोमोजोम चिंपैंजीज में है एप्स मतलब क्या जिसमें चिंपैंजी गोरिला और ये सब आते हैं इनको हम एप्स कहते हैं तीसरा पॉइंट आता है बैंडिंग पैटर्न मतलब क्रोमोजोम को हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम बैंडिंग पैटर्न कहते हैं बैंडिंग पैटर्न मतलब टू स्टडी दी द्रोमोजो तो पता चला कि क्रोमोजम नंबर थ्री और नंबर नंबर एग्जैक्टली सेम है है ह्यूमन ह्यूमन का का और एप्स मतलब ज, जैसे प्रेजेंट पे human के केस में वैसे ही सेम जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोजम नंबर थ्री पे एप्स के भी तो क्रोमोजम थ्री और सिक्स तो एकदम आइडेंटिकल है एकदम कार्बन कॉपी है दोनों में भी ह्यूमन और एप्स में और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एबीओ ब्लड ग्रुप तुमको पता है हमारे अंदर भी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंसिडर किया जाता है ए किसी का बी किसी का ए बी किसी का ओ तुम लोग ने सर्कुलेशन में पढ़ा है तो ए बी ब्लड ग्रुप किस पर बेस्ड है ए एंटीजन और बी एंटीजन के ऊपर बेस्ड है तुमको पता है आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होता है तो अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा अगर दोनों भी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा अगर दोनों भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा तो यही सेम एंटीजन एब्स में भी है एब्स के आरबीसी में भी ए एंटीजन या बी एंटीजन होते हैं तो उनका भी एबीओ ब्लड ग्रुप है हमारा भी एबीओ ब्लड ग्रुप है सिमिलैरिटी बता रहा हूं दोनों भी पेरेंटल केयर होता है दोनों में भी पेरेंटल केयर मतलब मेल uh, में भी uh, ये सर एब्स भी अपने बच्चों का देखभाल करते हैं अपने परिवार का देखभाल करते हैं एक फीलिंग uh, होती है एक इमोशन होता है एक लगाव होता है अपने फैमिली से कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं ये मेरी वाइफ uh, uh, है मुझे प्रोटेक्ट करना है अपने फैमिली को अग्रेसिव बनना है तो वो एक पेरेंटल केयर एब्स में भी दिखता है वही पेरेंटल केयर हमको ह्यूमन में भी दिखता है तो दोनों में भी पेरेंटल केयर दिखता है दोनों के भी ग्रास्पिंग हैंड मैंने तुम लोगों को कहा एप्स का भी ग्रास्पिंग हैंड है ग्रास्टिंग मतलब अपने हाथों को ऐसे मोड़ सकते हैं मोड़ सकते हैं ह्यूमंस भी और एप्स भी बट फर्क क्या है कि ह्यूमन जो है वो अपनी उंगलियों को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं अपने अंगूठे को अपनी उंगलियों के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं पर एप्स नहीं कर सकते वो चीज पर हाँ दोनों का हैंड ग्रास्पिंग है दोनों में मैं साइकिल दिखता है मैंने तुम लोगों को बताया था मैं साइकिल पढ़ाया था रिप्रोडक्शन में तो दोनों में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखता है पीरियड जो आते हैं हर महीने में हर मंथ में एक बार पीरियड्स जो आते हैं फीमेल में वो दोनों में भी दिखता है और दोनों के दोनों कैपेबल है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए दोनों आवाज निकाल सकते हैं दोनों के अंदर वोकल कॉर्ड है पर ह्यूमन ज्यादा अच्छे से बात कर सकता है पर एब्स भी बात कर सकते हैं ऐसी बात नहीं उनका भी आवाज निकलता ही है तो क्योंकि उनमें भी टंग है उनके अंदर भी डायफ्राम है उनमें भी वोकल कॉर्ड है तो दोनों के दोनों आवाज कर सकते हैं मोलार तीत जो है वो भी आ, काफी सिमिलर है चबाने के लिए जो काम आता है मोलार तीत और मोलार तीत में पांच कस्प है तीत अगर आप यहां पे देखो ये मोलार तीत में देखो ऐसे बम्स होते हैं एक दो तीन चार पांच ये एक मोलार तीत है तो ये मोलार तीत में कितने कस्प है पांच एक दो तीन चार पांच पांच कस्प समझ रहे हो? तो मोलार तीत में पांच कस्प है हमारे में भी और एप्स में भी दोनों में भी पांच पांच कस्प है मोलार तीत में ठीक है फिर आता है ये इसको थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं फिर आता है लार्जर हेड, दोनों के भी हेड बड़े हैं चलिए मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से कौन से एप्स का साइज छोटा है और उसका हेड भी छोटा है लास्ट लेक्चर का बात है कौन से एप्स का साइज छोटा है बताइए गिबॉन बताया लास्ट सेक्शन पढ़ा था मैं बोला था गिबॉन सबसे पुराना एप है और इंडिया में ही पाया जाता है Yes, याद आ गया hmm. तुम लोग ने लास्ट लेक्चर का वीडियो देखा है ना यस yes, सर नोट बनाया ना नोट, no, नोट क्यूँ नहीं बनाया अगर नोट नहीं, नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे आप लोग आपको रिकॉर्डिंग मिलती है ना रिकॉर्डिंग से ही देख के नोट बना लेने का खुद का लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से याद होता है पता है खुद का लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से याद होता है ये मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आपके ब्रेन का इंफॉर्मेशन पेपर पे जा रहा है रिकलेक्ट कर रहे हो आप कुछ चीज चीजों को आप रिकलेक्ट कर रहे हो ठीक है तो हेड बड़ा होगा ठीक है हेड बड़ा होता है दोनों भी केस में एब्स का भी हेड बड़ा होता है और ह्यूमन का भी हेड का साइज बड़ा होता है दोनों में भी ब्रॉड चेस्ट है जो चेस्ट वाला रीजन है वो काफी ऐसा ब्रॉड है बाहर की तरफ निकला हुआ है चेस्ट दोनों में भी टेल नहीं है एप्स में भी टेल नहीं है देखो आप चिंपैनजी गोरिला और इन सब के अंदर टेल नहीं है और ह्यूमन में भी टेल नहीं है हालांकि टेल बोन है बहुत ही छोटा सा है टेल बोन पर टेल नहीं है ठीक है और स्कल की बात करें तो अब ऐसा देखा गया है कि जो बेबी चिंपैनजी का जो स्कल है ना उसके स्कल का साइज बहुत सिमिलर दिखता है हमारे एडल्ट स्कल की तरह मतलब हमारा स्कल का देखो नो no डाउट चिंपेजी हमसे ज्यादा बड़े होते हैं गोरिल और का बड़ा है। पर रिसर्च में यह पाया गया है कि बेबी का का जो स्कल स्कल साइज साइज है वो हमारे स्कल के से मैच करता है तो चिंपेन्जी तो एप्स है ना तो हम मैं सिमिलरिटी ये कहूंगा कि एप्स के बेबी लोगों का स्कल हमारे स्कल के जितना सेम सेम होता है साइज में तो क्या सिमिलैरिटी हमने पढ़ी हमने सिमिलरिटी में पांच छह पॉइंट पढ़े हमने पढ़ा कि भाई ए बी ओ ब्लड ग्रुप वो दोनों में भी होता है दोनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दोनों में हीमोग्लोबिन होता है पेरेंटल केयर दिखता है दोनों के अंदर ग्रास्पिंग uh, हैंड्स है टेल नहीं है हेड बड़े होते हैं ब्रॉड चेस्ट होता है और बेबी चिंपैंजी जो होते हैं उनके स्कल का साइज और ह्यूमन के स्कल का साइज सेम होता है ये थी सिमिलैरिटी एप्स और ह्यूमन के बीच में इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो डिफरेंस पढ़ा था एप्स और ह्यूमन के बीच में बोलो ये पॉइंट समझ में आया तुम लोगों को एवरी वन यस सर यस सर इसको नोट डाउन करना है तो कर लो नोट डाउन किया सबने एवरी वन यस सर ओके ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू वो देखते हैं ये वाली स्लाइड इसे जूम कर रहा हूं यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारी कहानी मैं इस पे हाइलाइट करने के लिए मैं ये लिखता हूं पहला वर्ड मैंने लिखा है प्रोप्लियोपिथेकस प्रोप्लियो पिथेकस ठीक है अगर आप प्रोप्लियोपिथेकस देखो ये एकदम पुराने एप्स है बहुत ही पुराने बस इसके बारे में ज्यादा कोई बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया सिर्फ इतना दिया है कि ये चार पेड़ों पे चलते थे इनके बाल बड़े होते थे और ये आर्बोरियल थे पेड़ों पे भी रहते थे प्रोप्रियोपिथेकस के बाद आए पिथेकस मैं सिर्फ मेन मेन नाम लिख रहा हूं ड्रायोपिथेकस तो ये जो ड्राइव पिथेका है इसी को हम प्रो कॉन्सल भी कहते हैं इसी को हम प्रो कंसल भी कहते हैं सबको दिख रहा होगा आई थिंक आई होप सबको प्रो कंसल अब देखो मैं ना मेन मेन ईयर लिख रहा हूँ ये ड्रायोपिथेकस जो थे ये कब आए थे 15 मिलियन ईयर पहले आए थे इधर लिखा है कब आए थे 15 मिलियन पहले ड्रायोपिथेकस आए थे और इनके दिमाग का कैपेसिटी कितना था सिर्फ 400 सीसी का था सिर्फ 400 सीसी का था ये भी चार पैरों पे चलते थे आर्बोरियल थे और इनके शरीर पे बाल बड़ी बड़ी होती थी मोर एप्स लाइक बहुत एप की तरह थे बहुत पुराने एप्स की तरह थे ये लोग मैं वापस रिपीट कर रहा हूं ड्रायोपिथेकस पे चलते थे मतलब ये कॉडरी पेडल थे आर्बोरियल थे पेड़ों पे भी रहते थे स्किन पे हेयर थे इनके ब्रेन का कैपेसिटी फोर हंड्रेड सीसी का था इनका और ये कब थे कितने साल पुराने 15 मिलियन अगो पुराने थे ये इनका फॉसिल पाया गया इनका फॉसिल पाया गया है कहां पे लेक विक्टोरिया में जो कि अफ्रीका में है इवन तंजानिया और इथियोपिया में भी पाया गया है तो इनकी फॉसिल्स रिकवर की गई है अफ्रीका से सोचो अफ्रीका से इसका मतलब समझ में क्या आता है कि ह्यूमन का ओरिजिन कहां से हुआ दुनिया के किस हिस्से से ह्यूमन का ओरिजिन हुआ है अफ्रीका से हुआ है क्योंकि का सबसे पुराने एप्स है और इनकी फॉसिल्स अफ्रीका से एक्सट्रैक्ट की गई है तंजानिया इथियोपिया ये सारी चीजें अफ्रीका में आती है रॉक्स जो होती है रॉक्स मतलब फॉसिल जो मिलती है वो रॉक्स में मिलती है और वो रॉक्स के भी अलग अलग नाम होते हैं मायोसिन रॉक प्लायोसिन रॉक प्लिस्टोसिन रॉक होलोसिन रॉक ये रॉक्स है ना इनको नाम दिया गया है किस बेसिस पे कि ये कितनी पुरानी है बहुत पुरानी होती है ना रॉक्स तो उसको मायोसिन रॉक्स कहते हैं उससे थोड़ी सी लेटेस्ट जो होती है उसको हम प्लेस्टोसिन रॉक कहते हैं उससे और रिसेंट होती है उसे हम प्लायोसिन रॉक कहते हैं और रिसेंट जो होती है उसे हम होलोस्टीन रॉक कहते हैं तो रॉक्स के भी अपने-अपने नाम होते हैं तो इनके रॉक्स किस इनके फॉसिल किस रॉक्स में पाए गए थे माओसिन रॉक्स में पाए गए थे मायोसिन एकदम पुराना वाला रॉकस मतलब है लेक विक्टोरिया में या तंजानिया या इथियोपिया में था रॉक्स मतलब पता है ना चट्टाने चट्टानों के अंदर इनकी फॉसिल पाई गई वो चट्टान कितना पुराना था मायोसिन रॉक था वो एकदम पुराना वो रॉक पाया गया लेक विक्टोरिया में और इनकी ब्रेन की कैपेसिटी थी फोर हंड्रेड सीसी की चार पैरों पे चलते थे क्वाड्रिपेडल थे बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स थे और आर्बोरियल भी थे, और चार फीट से कम इनकी हाइट थी कितनी चार फीट से कम इनकी हाइट थी सोचिए हाइट में छोटे थे ज्यादा बड़े नहीं हुए थे ये। ड्रायोपिथेकस समझ में आया सबको बताइए एवरीवन अंकिता निकिता ड्रायोपिथेकस Yes, सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए देखिए मैंने कहा ड्रायोपिथिकस के बारे में कि कितने साल पुराने थे 15 मिलियन अगो पहले के हैं 15 मिलियन अगो पहले के इनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी 400 सीसी की थी हाइट इनकी चार फीट से कम थी क्वाड्री पेडल थे चार पैरों पे चलते थे और इनके शरीर पे बड़े बड़े बाल भी होते थे यही पॉइंट मैंने बोला है और इनकी फॉसिल्स पाई गई कहां पे मायोसिन रॉक्स में पाई गई मायोसिन रॉक एकदम ओल्डेस्ट रॉक है उस रॉक में पाई गई इनकी फॉसिल्स और वो फॉसिल कहा, कहां मिली मतलब मायोसिन रॉक कहां मिला अफ्रीका में अफ्रीका के तंजानिया इथोपिया में और लेक विक्टोरिया में मिला आगे बढ़ते हैं ड्रायोपिथिकस के बाद कौन आए रामापिथिकस तो मैं रामापिथेकस लिख रहा हूं यहां पर ये है रामा पिथेकस रामा जो थे ये भी 15 मिलियन पहले ही थे पर यह ना थोड़े से एडवांस हो गए थे थे मतलब थे, पर थोड़े से ह्यूमन की तरह लगने लगे थे क्यों क्योंकि इनके शरीर पे जो बाल थे वो छोटी हो गई थी शरीर के बाल थोड़े छोटे हो गए थे हालांकि ये भी चार पैरों पे चलते थे क्वाडरी थे शरीर पे पर, पर बाल छोटी हो गई थी इनकी तो कहा जाता है देवर मैन लाइक एप मैन लाइक एप मतलब थोड़े थोड़े आदमी की तरह दिखने वाले एप थे जबकि ये -like -like ये मोर एप 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 लाइक लाइक था बहुत ज्यादा की तरह दिखते थे थे लिटिल बिट मैन क्योंकि शरीर पे बाल छोटे हो गए बाकी सारी फीचर सेम थी इनके रॉक इनके फॉसिल भी कहां पाई गई मायोसिन रॉक्स में पाई गई और वो फॉसिल कहां से निकाली गई हमारे इंडिया से सोचो शिवालिक हिल्स जो कि हिमाचल प्रदेश में है शिवालिक हिल्स वहां पे इनकी फॉसिल पाई गई तुम लोग याद रखना एक चीज कि फॉसिल रॉक्स में होती है और वो रॉक्स किस जगह से मिला वो अलग अलग होती है तो इनकी फॉसिल मायोसिन रॉक्स में पाई गई और वो रॉक कहां से रिकवर किया गया शिवालिक हिल्स इंडिया से और इवन केनिया से भी मिला इनका केनिया से भी इनका फॉसिल मिला है रामापिथेकस का तो रामापिथेकस का भी ब्रेन का कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ के हो गया था साढ़े चार सौ सीसी का जबकि ड्राइव पिथे कितना था फोर हंड्रेड सीसी का रामा कितना है? 450 का कितना ब्रेन का कैपेसिटी है ठीक है रामापिथेकस समझ में आया सबको एवरी वन बहुत बढ़िया पिथेकस के बाद आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलियो नाम के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोला है तो ऐसा मत समझना कि इनका फॉसिल ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था इनका फॉसिल कुछ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया गया इनका फॉसिल एक्चुअली साउथ अफ्रीका से पाया गया था इसके लिए इनको सदन एप भी कहते हैं समझ रहे इनको सदन एप भी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इनका फॉसिल कहां से रिकवर हुआ साउथ अफ्रीका से तो साउथ South से सदरन एप भी कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस को और ये कनेक्टिंग लिंक है होमिनॉइड और होमिनिड के बीच में होमिनॉइड मैंने क्या बताया था ऐसे लोग जिनमें दोनों के भी फीचर है ये सर एप्स की भी है और ह्यूमन की भी है और जिनमें सिर्फ ह्यूमन की फीचर है उसे हम होमिनिड कहते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक कनेक्टिंग लिंक था कैसे क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आते हैं होमिनॉइड होमिनॉइड मतलब एप्स प्लस ह्यूमन पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से जो चालू हो रहा है दैट इज होमो होमोहेबलिस यहां से सिर्फ मैन की फीचर दिख रही है इसके लिए होमो वर्ड लग गया होमो वर्ड लग गया मतलब होमिनिड ह्यूमन वाली फीचर आई बात समझ में Yes, तो यहां से ह्यूमन जैसे लगने वाली फीचर अब दिखने लगी एब्स की फीचर नहीं दिखने लगी तो तुम देखो कि ये यह है और ये होमिनिड है तो होमिनट्रोलोपेथिकस बीच में आ रहा है इसके लिए हम बोलते हैं इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन और होमीनोइड एंड होमिनिड ये होमिनॉय है एप्स प्लस ह्यूमन वाले ये होमिनिड है ह्यूमन की तरह लगने वाले तो क्योंकि ये बीच में आता है इसके हम इनको कनेक्टिंग लिंक कह देते हैं होमिनॉइड और होमिनिड के बीच में बोलो ये समझ में आया यस सर। गुड। अब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में दो तीन चीज और बता देता हूं आपको ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कितने साल पुराने थे टू मिलियन इयर्स अगो आप देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना चीजें और रिसेंट होती जा रही है रिसेंट मतलब और लेटेस्ट होती जा रही है इनका ये कितने साल सर थे फिफ्टीन मिलियन ईयर ये भी फिफ्टीन ये कितने हो गए आप टू मिलियन ईयर तो नंबर कम होते जा रहे हैं मतलब हम और रिसेंट आ रहे हैं नजदीक आ रहे हैं हम हमारे टाइम लैप्स में आ रहे हैं तो ऑस्ट्रोलोपिथेक जो थे वो टू मिलियन ईयर पहले थे और इनका ब्रेन का कैपेसिटी थोड़ा और बढ़ गया था साढ़े चार सौ से पांच सौ सीसी का हो गया था इनका कितना था चार सौ सी का था फोर हंड्रेड इनका फोर फिफ्टी इनका फोर फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड हो गया था तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ रही है और ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो तुमको पता है कि अब धीरे धीरे इंसान पत्थरें बनाएगा पत्थरों को शार्प करेगा शिकार करेगा पत्थरों को घिस के आग का निर्माण करेगा चीजों को पका के खाना चालू करेगा फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना चालू करेगा धीरे धीरे घर बनाना चालू करेगा जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता गया इंसान नए नए चीजों को अडेप्ट होता गया so, पॉइंट कही कि ये टू मिलियन ईयर पहले है, पुराने हैं इनका ब्रेन का कैपेसिटी 450 फिफ्टी टू फाइव सीसी है ये कनेक्टिंग लिंक कंसिडर किए जाते हैं हुमीनोइड और हुमीनिडी के बीच में ये पहले ऐसे होमिनॉइड है जो दो पैरों पे चलना स्टार्ट किए हालांकि ये कंप्लीटली दो पैरों पे नहीं चलते थे पर कुछ टाइम के लिए दो पैरों पे आते थे और फिर वापस से चार पैरों पे चलते थे तो दो पैरों पे चलने के लिए जो पेल्विक गर्डल है वो ब्रॉड हो जानी चाहिए मतलब कमर जो है वो थोड़ी चौड़ी हो जानी चाहिए कमर थोड़ी चौड़ी होगी तभी इंसान दो पैरों पर पे खड़ा हो सकता है कमर अगर मजबूत रहेगी और चौड़ी रहेगी तो इनके अंदर पेल्विक गर्डल जो है कमर वो थोड़ी ब्रॉड होने लगी और वर्टिबल कॉलम भी बताओ सीधा रहना चाहिए कि थोड़ा सा कब्ड रहना चाहिए सीधा खड़ा रहने के लिए सीधा खड़ा रहने के लिए वर्टिपल कॉलम सीधा रहना चाहिए कि कब्ड रहना चाहिए वर्टिपल कॉलम बताइए सर सीधा सीधा नहीं रहना चाहिए कब रहना क्या? चाहिए कोई भी सीधा खड़ा है ना जब इरेक्ट खड़ा है ना तो उसका वर्टिबल कॉलम सीधा कभी नहीं रहता है उसका वर्टिबल कॉलम कभी सीधा नहीं रहता है उसका वर्टिबल कॉलम ऐसे रहता है यह तो इलेवे स्टैंडर्ड का टॉपिक है स्केलेटन एंड लोकोमोशन तो सीधा खड़े रहने के लिए वर्टिबल कॉलम के अंदर कर्वेचर आना चाहिए कर्वेचर मतलब ऐसे कभी इंसान सीधा खड़ा रह सकता है दूसरा उसकी कमर ब्रॉड होनी चाहिए ये दो फीचर दिखना स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर कि इनकी पैल्विक गर्डल भी ब्रॉड हुई और इनके वर्टिब्रल कॉलम में कर्वेचर आना स्टार्ट हुआ जिसके वजह से वो दो पैरों पे खड़े होना स्टार्ट किए इनके फॉसिल्स मिले गए फॉसिल्स के लिए मैं आपको नाम बता रहा हूं एक फॉसिल था तुआंग करके मैं यहां पे लिखता हूं फॉसिल रिकवर्ड फ्रॉम प्लायोसिन रॉक्स प्लायोसिन रॉक्स से इनकी फॉसिल रिकवर हुई है अभी ये रॉक्स का नाम इंपॉर्टेंट है यहां पे कौन सी रॉक थी मायोसिन रॉक थी ये भी कौन सी रॉक थी मायोसिन रॉक थी पर इनकी रॉक कौन सी है प्लायोसिन रॉक्स समझ लो प्लायोसिन रॉक्स थी और तुम लोग एक याद रखो कि एक फॉसिल पाई गई थी जिसका नाम दे दिया टुआंग अफ्रीका में पाया गया वो एक बच्चे का फॉसिल था उसको टुआंग बेबी बोला गया वो फॉसिल एक छोटे से बच्चे का था उसको टुआंग बेबी बोला ये फॉसिल अफ्रीका में पाया गया था और इसको किसने डिस्कवर किया था रेमन डार्ट ने डार्ट ने इसको डिस्कवर किया था जबकि एक और फॉसिल था जिसको डोनाल्ड जॉनसन ने डिस्कवर किया था और उस फॉसिल का नाम था लूसी क्योंकि वो एक लड़की का फॉसिल था तो उस फॉसिल का नाम रखा लूसी ऐसे एक फॉसिल अफ्रीका में मिला वो बच्चे का फॉसिल था तो उसको टुवांग बेबी बोला ये वाला फॉसिल किसने रिकवर किया डार्ट करके एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ये वाला फॉसिल किसने ढूंढा डोनाल्ड जॉनसन ने ढूंढा तो दो फॉसिल तुमको याद रखना है एक फॉसिल का नाम है टुआंग एक छोटे से बच्चे का फॉसिल रिकवर किया गया था अफ्रीका से और एक और फॉसिल है लूसी ये एक लड़की का फॉसिल है जो ये भी रिकवर किया था अफ्रीका से ये दो चीज याद रखना फिर नेक्स्ट आता है होमो होमो हैबिलिस बोला होमोवर्ड बोला मतलब आप कैसा फीचर दिख रहा है एप्स का ह्यूमन का कि खाली ह्यूमन का फीचर दिखना स्टार्ट हुआ सिर्फ ह्यूमन का हाँ तो वर्ड लग गया तो हैबिलिस होमो इरेक्टस होमोनियनिस है ना सेपियंस ये सबके नाम क्या? के आगे होमो लग रहा है मतलब अब ह्यूमन वाली फीचर दिख रही है सर तो होमो हैबिलिस क्या है इनका ब्रेन का कैपेसिटी थोड़ा और बढ़ गया इनका ब्रेन का कैपेसिटी हो गया साढ़े छ सौ से आठ सौ तो ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ने की वजह से ना ये लोग क्या करने लगे स्टोन को शार्प करने लगे घस घस के स्टोन को शार्प करने से स्टोन से वेपन बनाने लगे औजार बनाने लगे शिकार करने के लिए पेड़ों पे से फल फूल तोड़ने के लिए हालांकि ये लोग फ्रूट ईटर्स थे मतलब मटन भी खाते थे चिकन मतलब मांस भी खाते थे देवर मीट ईटर्स बट चीजों को रॉ खाते थे कच्चा खाते थे क्योंकि तभी तक आग का निर्माण नहीं हुआ था आप देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है और इनकी ब्रेन की कैपेसिटी 500 सीसी थी इनकी ब्रेन की कैपेसिटी साढ़े छह से 800 हो गई तो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने की वजह से इन्होंने क्या किया ये लोग स्टोन को शार्प करके शिकार पे जाते थे शिकार करने के लिए फ्रूट तोड़ते थे अपने आप को बचाते थे वेपन्स बनाते थे इसके लिए इनको हम स्टोन एज मैन भी कहते हैं स्टोन एज मैन आपने स्कूल में हिस्ट्री में पढ़ा था स्टोन एज मैन वो यही लोग है ये लोग इनको हैंडीमैन या टूल मेकर मैन भी कहते हैं क्योंकि वो स्टोन को शार्प वगैरह करके काट फूट के टूल्स बनाते थे हथियार बनाते थे औजार बनाते थे वेपन बनाते थे अटैक करने के लिए अपने बचाव के डिफेंस के लिए भी क्यों क्योंकि ब्रेन का कैपेसिटी थोड़ा बढ़ गया तो थोड़ा सा दिमाग की क्षमता सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ गई और इससे अपने बचाव के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे पत्थरों को घिस घिस कर तोड़ तोड़कर बेहतरीन धार वाले पत्थर बनाने लगे किसी भी प्राणी का शिकार करने के लिए या झाड़ पे से पेड़ों पर से फल फूल तोड़ने के लिए तो देर फ्रूट ईटर्स इनका ब्रेन का कैपेसिटी था सिक्स फिफ्टी टू एट हंड्रेड सीसी इनकी फॉसिल भी रिकवर हुई ओके इनकी भी रिकवर हुई ईस्ट अफ्रीका से और इनकी फॉसिल रिकवर हुई किस रॉक से प्लिस्टोसिन रॉक से वो रॉक का नाम क्या है प्लीस्टोसिन रॉक प्लिस्टोसिन रॉक से डिस्कवर हुई है इनकी फॉसिल नहीं याद रखोगे चलेगा बट ये जरूर याद रखना जो मैंने ओरली बोला है वो तो याद ही रखना है आप लोगों को इनको हैंडीमैन या टूल मेकर मैन या स्टोन एज मैन भी कहते हैं ठीक है समझ में आए होमोहेबिलिस्ट सबको सर दे आर फर्स्ट ह्यूमन पहली बार ह्यूमन वाली फीचर दिखी है हमको इसमें तभी तो ह्यूमेन ह्यूमिन यहां से स्टार्ट हुआ अब देखिए मैंने आपको होमो हैबिलिस बोला था ये लिख रहा हूं मैं होमोहेबिलिस होमोहेबिलिस के बारे में मैंने तीन चार चीज बोला इनका ब्रेन का कैपेसिटी था सिक्स फिफ्टी टू एट हंड्रेड ये पहले ह्यूमन वाले फीचर दिखे इनको स्टोन मेकर मैन स्टोन एज मैन हैंडी मैन टूल मेकर मैन भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने स्टोन से वेपन्स बनाई फ्रूट तोड़ने के लिए इसके लिए हम इनको फ्रूट ईटर्स भी कहते हैं इतना चीज इनके बारे में याद रखना। है। होमो हैबिलिस के बाद आए होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस जो थे इनका ब्रेन का कैपेसिटी और बढ़ गया कितना हो गया 900 सीसी तो तुम देख लो ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ा तो इनको समझ में आ गया कि भैया पत्थर को घिसेंगे तो आग निकलेगा आग निकलने से ये लोग चीजों को पका के खाने लगे तो अब ये लोग मीट ईटर थे मांस पका के खाते थे जैसे जैसे ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ा देखो चीजें कैसे एडवांस होती गई और ये कितने साल पुराने थे 1.5 मिलियन फाइव मिलियन पुराने थे ये लोग 900 हंड्रेड सीसी का इनका ब्रेन था इनकी फॉसिल भी मिली जिस रॉक से वो रॉक है प्लीस रॉक और इनकी फॉसिल कहां मिली जावा में मिली जावा एक जगह का नाम है फिलीपींस फिलीपींस देश के अंदर जावा एक सिटी है वहां पे इसके लिए इनको जावा मैन भी कहते हैं जावा एक जगह है जैसे मुंबई एक जगह है इंडिया में दिल्ली एक जगह है इंडिया में वैसे ही जावा एक जगह है फिलीपींस में तो क्योंकि इनका पहली बार फॉसिल जावा में मिला इसके लिए इनको जावा मैन भी कहते हैं मैं बच्चों को अक्सर ऐसा याद करवाता हूं जावा मतलब ज्वाला ज्वाला मतलब आग मतलब आग का निर्माण किसने किया इन्होंने किया होमोरेक्टस नाइन हंड्रेड सीसी का ब्रेन था फिर इनका एक और फॉसिल मिला पैकिंग में पैकिंग एक जगह है चाइना में इसके लिए इनको पैकिंग मैन भी कहा गया और एक और फॉसिल मिला जर्मनी के हाइडलबर्ग में इसके लिए इनको हाइडलबर्ग मैन भी कहते हैं तो एक फॉसिल जावा में मिला एक पैकिंग में मिला एक हाइडलबर्ग में मिला देख लो आप लोग ठीक है ये अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग जगह पर फॉसिल डिस्कवर की है उसके बेसिस पे उसका नाम दिया गया है होमो इरेक्टस के बाद आए होमो मोनियंदरथल होमो होमो होमोनियंदर्थल अब ये लोग जो थे ये बड़े करामती लोग थे इनका ब्रेन का कैपेसिटी चौदह सौ सीसी का हो गया था हमारे जितना कितना 1400 cc का था ये पर हमसे ज्यादा हट्टे कट्टे थे हट्टे कट्टे थे एकदम। और ये लोग रिलीजियस बिलीव भी रखते थे रिलीजियस बिलीव मतलब हाँ भाई कोई मर गया है तो उन्हें गाड़ दो है ना ये मेरी फैमिली है ये मेरे बच्चे हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है तो थोड़े इमोशंस आ गए ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ गया ना ये लोग प्रीडेशियस थे प्रीडेशियस मतलब झुंड में आके शिकार करते थे ये लोग झुंड में आके लोगों का शिकार करते थे पता है कि झुंड में जाएंगे शिकार करने तो जरूर कुछ ना कुछ हाथ में लगेगा ज्यादा हट्टे कट्टे थे और ये लोग कपड़े जो पहनते थे वो एनिमल के स्किन निकाल के कपड़े बना के पहनते थे अपने बॉडी को हाइड करने के लिए एनिमल के स्किन का यूज करते थे ये लोग और आ, ये लोग भी ग्रास लैंड थे पता है अभी तक मैंने जितने भी तुम लोगों से डिस्कस किया ना वो सब के सब घास पे रहते थे ग्राउंड पे रहते थे घासों पे रहते थे ग्रास लैंड ग्रास लैंड का मतलब है बंजर जमीन पे ऐसे रहते थे इसके लिए ये सब खत्म हो गए क्रो मैगन मैन जो है ना ये लास्ट वाला ये ये अभी मैं लिखूंगा क्रो मैगन मैन ये केव में रहता था तो जो केव में रहे ना वो बच गए समझ रहे हो आप केव में जो रहे ना वो बच गए क्योंकि बड़े, पता है बाहर तूफान बारिश गर्मी होगी तो गुफे में रहेंगे तो सही सलामत रहेंगे तो ये लोग केव में रहते थे क्रो मैन मैं। बट अभी तक जितने भी लोग थे सब के सब देखो ग्रास लैंड मैंने लिखा हुआ है ग्रास लैंड मतलब ऐसे खुले मैदान में रहते थे वो लोग खेत में तो मर गए क्योंकि भैया बारिश हो गई बाढ़ आ गया कुछ गर्मी हो गई ये हो गया वो हो गया मर गए होंगे सारे के सारे बट क्रोमैगन मैन मैं बचे और ये बड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट थे नो डाउट हम मैन से ही आया है बट मैन का 1600 सीसी का ब्रेन मैं no मैं मैं का, सो का, का कैपेसिटी था हमारा थोड़ा कम क्यों हुआ क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हमारे स्कल का साइज थोड़ा छोटा हो गया हमारे स्कल का साइज थोड़ा छोटा होने की वजह से हमारे ब्रेन का कैपेसिटी थोड़ा कम हो गया और नियंदरथल मैन की मैं बात कर रहा था होमो नियंत्रथ को हम नियंदरथल मैन भी कहते हैं इनका फॉसिल भी प्लिस्टोसिन रॉक में पाया गया जर्मनी में जर्मनी के नियंदरथल वैली में पाया गया नियंदरथल वैली में पाया गया इसके लिए इसका नाम नियंदरथल मैन पड़ गया जिस जगह पर वो फॉसिल पाई गई उसके बेसिस पे उसका नाम हुआ है तो इसको होमो ये इसका साइंटिफिक नेम है कॉमनली हम इन लोगों को नियंदरथल मैन कहते हैं क्योंकि इनका फॉसिल जर्मनी के नियंदरथल वैली में पाया गया है प्लिस्टोसिन रॉक के अंदर नियंदरथल मैन जो थे ये ग्रासलैंड पे रहते थे कपड़े पहनते थे एनिमल के स्किन का निकाल के रिलीजियस बिलीव रखते थे थोड़ी फैमिली प्लानिंग रखते थे झुंड में जाके शिकार करते थे ट्रू थे हमसे ज्यादा हट्टे थे स्टॉकियर थे राइट और थोड़ी बहुत पेंटिंग्स वगैरह भी कर लेते थे बट इतना ज्यादा नहीं बहुत कम बहुत कम थोड़े स्किल्ड हंटर थे मतलब जबरदस्त शिकारी थे ये लोग झूंड में जाके शिकार करना एकदम स्किल्ड स्किल्ड हंटर थे एकदम और ये लोगों की ज्यादा करके ये लोग की फॉसिल पाई गई है ईस्ट एशिया के साइड दुनिया के नियर ईस्ट एशिया के साइड इनकी फॉसिल पाई गई है और ये लोग कैनाबेलिज्म शो करते थे कैनाबेलिज्म मतलब क्या होता है कि अपने ही जाति के किसी मेंबर को खा जाना मतलब समझ लो कि भूख लग रही है और मतलब कैनाबलिज्म क्या होता है ना कि अपने ही स्पीशीज को मार के खाना ये लोग दिखाते थे कैनबिलिज्म कैनबिलिज्म का मतलब समझ रहे हो ना एक स्पीशीज अपने ही सेम किसी दूसरे स्पीशीज को मार के खा जाते हैं हैं उसको हम बोलते वो मैन दिखाता था इसके लिए मैन नहीं बचे आपस में एक दूसरे को मार बाट के खा गए इसके लिए खत्म भी हो गए बट क्रोमैग्नेट मैन दे वर वेरी स्मार्ट हंड्रेड सीसी का ब्रेन था प्लानिंग करके आए थे कि भाई कैसे रहना है कैसे बचाना है अपने आप को क्या करना है इसके लिए हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ह्यूमन जो है दे आर नॉट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन कि ह्यूमन मरने के कगार पे नहीं खड़े क्योंकि ह्यूमन का बुद्धि बहुत तेज है ह्यूमन के पास ऑपोजिबल थंब है जिससे वो हथियार बना के अपने आप को बचा सकता है पर बाकी के प्राणी नहीं कर सकते बोलो समझ में आ रहा है यस सर तो मैं अभी तक ये कह रहा हूं कि अभी तक तुम लोगों को मैंने जितना भी पढ़ा है नियंत्रथ मैन तक सबके सब, सब लोग ग्रासलैंड में रहते थे खुले खेत में रहते थे इसके लिए सबके सब मर गए क्रोमैग्न मैन केव में रहता था इसके लिए क्रोमैग्न मैन को केव मैन भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम क्या है क्रोमैग्न मैन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन फॉसिलिस फॉसिलिस क्यों क्योंकि आज के डेट में एक भी जिंदा नहीं है उसके सिर्फ फॉसिल मिलते हैं इसके लिए होमोसेपियन फॉसिलिस ये साइंटिफिक नेम है और ये सबसे रिसेंट वाले रॉक्स में मिले गए हॉलो रॉक्स में मिले हैं हॉलो रॉक्स में मिले हैं ये और इसके साथ हमारा टेबल अब खत्म होने आया तो मैं एक बार तुम लोगों के लिए मैन लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्रो मैन मैं लिख रहा हूं अब क्रो मैन मैं के बारे में थोड़े पॉइंट्स बता रहा हूं क्रो मैगन मैन जो थे देखो मैन कब थे? एक लाख से चालीस हजार साल पहले और ये कब थे पचहत्तर हजार से दस हजार साल पहले तो और नीचे जा रहे पहले हम मिलियन से बात कर रहे थे कि ड्राय फिफ्टीन मिलियन ईयर टू मिलियन ईयर तो ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू टेन थाउजेंड थे और इनके ब्रेन का कैपेसिटी सिक्सटीन हंड्रेड सीसी का था और हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे इनका फॉसिल कहां बरामद हुआ फ्रांस में फ्रांस में

गुफे में मैन मैं की बनाई हुई पेंटिंग आज भी प्रेजेंट है और ये आपके एनसीआरटी की लाइन है भीम का केव मध्य प्रदेश में क्रोमैग्नन मैन की बनाई हुई पेंटिंग आज भी वहां पे है ये लोग की थिंकिंग बहुत अच्छी थी और कुछ अठारह हजार साल पहले इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था खेती करने लगे थे घर बनाने लगे ये लोग दो चीज इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की एक तो गुफे में रहते थे लोग तो पेंटिंग जबरदस्त करते थे एकदम वेरी मास्टर इन मेकिंग केव पेंटिंग्स बड़ी अच्छी अच्छी केव पेंटिंग्स करते थे और ऑर्नामेंट्स बनाते थे ऑर्नामेंट्स मतलब अपने ऑपोजिट सेक्स पार्टनर को देने के लिए गिफ्ट्स हाथी के दांत के ऑर्नामेंट्स बनाते थे और अलग अलग बोन्स के सिर्फ बोन्स और शेल्स के ऑर्नामेंट नहीं बनाते थे इवन एलिफेंट के बड़े बड़े टस के भी ऑर्नामेंट्स बनाते थे ऑर्नामेंट्स क्या होता है जैसे कि आपने देखा होगा ऑर्नामेंट जैसे गले में पहनने के लिए हाथ में पहनने के लिए है कि नहीं उनको हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं नेकलेस वगैरह इन सबको आ रही बात समझ में ये चीज ये हम्म ठीक है सो केव ड्वेलर्स दे मेक टूल्स ऑर्नामेंट्स सिर्फ बोन्स और तीत के ऑर्नामेंट्स नहीं बनाते थे ऑर्नामेंट कैसे होता था उनका धागे जैसे होते थे वो धागे में दांत हड्डिया वो सब लगी होती थी वो ऑर्नामेंट्स होते थे तो ये ऑर्नामेंट सिर्फ तीत एंड बोन्स एंड शेल के नहीं बनाते थे एलिफेंट के बड़े बड़े टस्क और डियर के बड़े बड़े सिंक से भी वो लोग अलग अलग चीजें बनाते थे तुमको इनके बारे में दो ही चीज याद रखना की मैन मैं केव में रहते थे इसके लिए ये बच गए ये ज्यादा इंटेलिजेंट थे बाकी के लोग ग्रास लैंड में रहते थे और ये लोग एग्रीकल्चर करने लगे अठारह हजार साल पहले और दस हजार साल पहले तो ये लोग अपने लिए घर वर भी बनाने लगे थे ठीक है घर मतलब सिविलाइजेशन तो मैंने इधर लिखा भी है कि ये लोग सिविलाइजेशन भी दिखाते थे घर वगैरह बनाने लगे अपने लिए केव में रहते थे एग्रीकल्चर भी करने लगे थे ऑर्नामेंट्स वगैरह टूल्स वगैरह बनाते थे और पेंटिंग बड़ी जबरदस्त करते थे ये लोग और लास्ट में आ गया मॉडर्न मैन तो मॉडर्न मैन ने तो अपने लिए और भी और भी अच्छे कर दिए मॉडर्न मैन मतलब होमोसेपियंस कि हम हैं तो हमारी थिंकिंग और भी अच्छी हो गई पर हाँ हमारे ब्रेन का कैपेसिटी थोड़ा कम हो गया चौदह सीसी का हो गया इनका भले ही ज्यादा था सोलह सीसी था हमारा चौदह सीसी का हो गया और हम भी सिविलाइजेशन करते थे और हमारे से अलग अलग रेसेस आई है रेसेस मतलब समझते हो क्या होता है अलग अलग जैसे कि चाइना के लोग एक अलग रेस के हैं अफ्रीका के लोग एक अलग रेसेस के हैं यूरोप के लोग एक अलग रेस के हैं एशिया इंडिया के हम लोग एक अलग रेस के हैं पर है तो सब सेम स्पीशीज ना सबके सब, सब सेम स्पीशीज है पर एक स्पीशीज में भी अलग अलग रेसिस होती है तो ह्यूमन की अलग अलग रेसेस आई है मॉडर्न मैन से अलग अलग रेसेस आई है यहां से आ रही है समझ में बात yes, एक बार देखो तुम लोगों को मैं रिवीजन करा दे रहा हूं अच्छे से देख लो यही वाला टेबल देखो पहला था प्रोप्लियोपिथेकस एकदम पुराने फिर आया ड्रायोपिथेकस तुम लोगों को पहले एज बता देता हूं ड्रायोपिथेकस का भाई फिफ्टीन मिलियन ईयर्स रामापिथेकस भी मिलियन मिलियन ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले आया है। होमो, होमो हैबिलिस भी वही लगभग टू के आसपास ही होंगे उसके बाद होमो इरेक्टस कब आए वन पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स फिर नियंत्री थाउजेंड ईयर्स

इनका भी मायोसिन रॉक्स इनका प्लिस्टोसिन प्लिस्टोसिन होमोरक्टस का भी प्लिस्टोसिन था सॉरी इनका मायोसिन मायोसिन इनका प्लायोसिन इनका प्लिस्टोसिन 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 बस केव मैन का जो है ना केव मैन का वो है होलोस्टीन तो मैं बार रिपीट कर रहा हूं ड्रायोपिथेकस का किस रॉक से मिला है मायोसिन से मायोसिन रामापिथेकस का भी मायोसिन से मिला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का प्लायोसिन होमोहेबिलिस का आई एस प्लीस्टोसीन रॉक से मिला है होमोहेबिलिस का होमोइरैक्टस का भी प्लिस्टोसिन से मिला है नियंत्रथल मैन का भी प्लिस्टोसिन से मिला है पर क्रोमैग्नन मैन मैं का हॉलोस्टीन से मिला हुआ है जो कि सबसे रीसेंट है और कौन सी जगह थी ड्रायोपिथेकस का तो मिला है लेक विक्टोरिया में जो कि अफ्रीका में है और रामापिथेकस का शिवाली हिल्स जो कि इंडिया में है और केनिया में भी मिला ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फॉसिल अफ्रीका में मिला एक टूआंग बेबी का मिला और एक लूसी करके लड़की का मिला और होमो का मिला किधर पे गोरगोनिया जो कि अफ्रीका में ही है, ईस्ट अफ्रीका में है गोरगोनिया वहां पे मिला और होमो इरेक्टस का पे मिला? जावा में मिला इसके लिए उनको जावा मैन भी कहते हैं पैकिंग चाइना में वहां पे भी मिला और हाइडलबर्ग जो कि जर्मनी में वहां पे भी मिला और क्रोमैगन मैन मैं का फ्रांस में मिला नियंदरथल मैन का हमको नियंदरथल वैली जर्मनी में था नियरथल वैली जर्मनी वहां पर मिला एक एक करके मेन फीचर खाली देख लेते हैं अभी मेन फीचर कि ड्रायोपिथिक्स जो थे चार पैरों पे चलते थे क्वाड्री थे बॉडी पे हेयर्स थे और आर्बोरियल थे चार फीट से कम इनकी हाइट थी रामापिक जो थे वो भी चार पैरों पे चलते थे पर उनकी बॉडी पे हेयर थोड़े छोटे हो गए तो ये एप्स थे पर थोड़े आदमी की तरह दिखने लगे इसके लिए हम इनको मैन लाइक एप्स केहते और ड्रायोपिथिकस को मोर एप लाइक कहते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो थे वो पहली बार दो पैरों पे चलने का प्रयास किया हालांकि कंप्लीटली दो पैरों पे नहीं चलते थे बट चलते थे थोड़े थोड़े तो इसके लिए इनके लंबार इनका वर्टिकल कॉलम में कर्वेचर आया और पेल्विक गर्डल ब्रॉड हुआ और ये कनेक्टिंग लिंक है होमेनॉइड और होमीनिड के बीच में इसको हम सदर एप भी कहते हैं क्योंकि इनका फॉसिल पहली बार साउथ अफ्रीका में मिला इसके लिए सदर एप भी कहते हैं इनका कोई फॉसिल ऑस्ट्रेलिया आश्ट, से नहीं मिला होमो जो है इनका ब्रेन का कैपेसिटी थोड़ा बढ़ के हो गया 600 के आसपास जिससे ये टूल्स बनाने लगे और टूल uh, से ऑफेंस डिफेंस करने लगे अपने आप को बचाने लगे अटैक करने लगे फ्रूट तोड़ के खाते थे सुधे दी फ्रूट ईटर्स ये लोग फ्रूट ईटर्स थे और इनको स्टोन एज मैन या टूल मेकर या हेंडीमैन भी कहते हैं फिर आए होमो इरेक्टर्स होमो इरेक्टर्स जब आए तो होमो इरेक्टस का ब्रेन का कैपेसिटी और डेवलप हो गया 900 सीसी के आसपास हो गया जिससे वो फायर का इन्वेंशन किए इसके लिए उनको हम आ, आ, मीट ईटर्स भी कहते हैं और धीरे धीरे वो भी बायपेडल हो गए अब सब धीरे धीरे बायपैडल हो गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस से स्टार्ट हुआ और वो अब बायपैडल चलता ही गया दो पैरों पर पे चलने लगे उतना ही उनका पोस्टर इरेक्ट होता गया चेस्ट और ब्रॉड होता गया और पेल्विक गर्डल और ब्रॉड होता गया दांत के साइज भी छोटे होते गए क्योंकि अब चीजों को पका के खा रहे हैं पका के खाने में ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं है तो उनके तीत का साइज भी धीरे धीरे छोटा होने लगे फिर आ गए हमारे आगे बढ़ेंगे तो मैन आ गए ज्यादा जा, स्टॉकियर थे बहुत हट्टे कट्टे थे झुंड में आके शिकार करते थे स्किल्ड हंटर थे एनिमल के कपड़े पहनते थे थोड़े बहुत रिलीजियस बिलीव रखते थे कि भाई कोई मर गया तो गाड़ दो पर कैना बिलिज्म भी दिखाते थे कि अपनी जाति को मार के खा भी जाते थे पर ये लोग भी नहीं बच पाए क्योंकि ये सारे के सारे लोग ग्रास लैंड में रहते थे पर मैन मैं शाना था बहुत होशियार था 1600 सीसी का कैपेसिटी का ब्रेन था और केव में रहता था तो केव में रहता था तो केव पेंटिंग्स करते थे राइट और ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनाते थे अपने ऑपोजिट पार्टनर को देने के लिए ना ही सिर्फ टू स्टोन्स एंड बोन्स का बनाते थे जबकि एलिफेंट टस्क का भी ऑर्नामेंट बनाते थे और लास्ट में आ गए मॉडर्न मैन जिन्होंने एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दिया इसके साथ हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है एक लास्ट टॉपिक है ये कि मैन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैन की कि इंसान का ब्रेन काफी बड़ा है और उसकी क्रेनियल कैपेसिटी सोचने की क्षमता भी काफी ज्यादा है हमारा क्रेनियल कैपेसिटी कितना है 1400 सीसी का है जो कि काफी बेटर है बाकी के एनिमल्स के कंपैरिजन में हम सोच सकते हैं प्लान कर सकते हैं डाउट को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं जजमेंट है हमारे अंदर और मेमरी है मेमोरी है बहुत सारी चीजें हैं फोरामन मैग्नम आ गया ब्रेन बॉक्स के अंदर फोरामन मैग्नम ब्रेन का वो पार्ट है जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है फोरामन मैग्नम एक हमारे स्कल के अंदर एक पार्ट होता है जहां से क्या निकलता है स्पाइनल कॉर्ड तो ये आया स्पीच डेवलप किया हमने बात करना सीखा बोलना सीखा लैंग्वेज सीखा क्योंकि टंग है है ना वोकल कॉर्ड है लैरिंग है वॉइस बॉक्स है जिसे हम बोलने लगे बात करने लगे ऑपोजेबल थम्ब है हमारे अंदर जिसे हम पकड़ सकते हैं कुछ बना सकते हैं अपने आप को बचा सकते हैं या किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं मैंने वही कहा था इंसान को सबसे आगे वही लेके इस इंसान इसके लिए सबसे आगे हो जाता है क्योंकि एक तो दिमाग तो है ही पर उसका थम्भ भी ऑपोजेबल थम्ब है जिससे वो पकड़ सकता है कुछ बना सकता है कुछ शिकार कर सकता है अपने आप को बचा सकता है और सीखने की क्षमता इंसान में पहले से रही है एबिलिटी टू लर्न एंड ट्रांसमिट एक्सपीरियंस मतलब अपना एक्सपीरियंस सिखाओ दूसरे लोगों को है ना अपना एक्सपीरियंस जो है वो बाकी के लोगों को बताया रहे तो ये इंसान की कुछ क्वालिटी है इसी के साथ हमने ये चैप्टर फिनिश किया है मेरा जो लेक्चर है आप लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा है आप लोगों को वो आई थिंक थर्सडे है राइट थर्सडे की फ्राइडे है थर्सडे को मैं ना ये चैप्टर का समरी कराऊंगा आपको मतलब मैं ऐसा नहीं कि न्यू चैप्टर लूंगा न्यू चैप्टर में नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा बायोटेक्नोलॉजी होगा वो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर ये चैप्टर वो डेढ़ घंटे का लेक्चर जिसमें मैं आपको ये चैप्टर का एक बार समरी कराऊंगा तो प्लीज पढ़ के आना वो चैप्टर यही वाला तो एक बार सुनोगे तो क्या आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा क्योंकि हमको ये चैप्टर फिनिश करने में लगभग दो महीने लग गए ये चैप्टर बड़ा था तो चैप्टर बड़े होने की वजह से ज्यादा टाइम लगा है तो पीछे का हो सकता है कि आप भूल गए गएगे तो मैं जब आऊंगा तो मैं आपको चैप्टर का समरी दूंगा शुरू से सब बोलते जाऊंगा आप सिर्फ सुनते जाना पर आपको तभी अच्छा लगे अच्छा लगेगा जब आप चैप्टर को रिवाइज करके आओगे ऐसा सोच के आओ कि हम टेस्ट देने आए हैं हैं हम टेस्ट देने आए तो हम पढ़ के आते हैं वैसा पढ़ के आना तो सुनोगे तो आपका एक बार क्या रिवीजन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार ये चैप्टर को समराइज कर दिया जाए मैं एक बार सिर्फ बोलते जाऊंगा आप लोगों को ये ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ और आप लोग सिर्फ सुनना तो इसके साथ आपका ये चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा